पीके की स्टोरी पहुंची इंटरनेशनल लेवल पर, कैसे बचाया जग्गू ने पीके और आरके को। नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी वर्मा करती हूं आप सभी का स्वागत बॉलीग्राम स्टूडियोज पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर फटाफट जाएं और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। तो चलिए, हमने आपको पिछले वीडियो में ये तो बताया ही था कि कैसे आरके और पीके को बचाएगी जग्गू। अब आज उसके आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जग्गू पीके और आरके को एक गांव में ले जाती है, वहां उन्हें छुपा देती है और कहती है बाहर मत निकलना, किसी से भी बात मत करना। उसी गांव में आरके को प्यार हो जाता है एक लड़की से। अब इसके आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। आरके और गौरी मिलते हैं और उसके बाद गौरी ये कहती है कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे इस शादी के लिए, तो कल सुबह हम भाग के मंदिर में जाके शादी कर लेंगे। गौरी उसे बताती है सुबह इतने बजे यहाँ मिलना और अगले दिन आरके पहुंच भी जाता है। लेकिन एक अजीब चीज होती है, आरके के पास वहाँ पे गौरी नहीं पहुंचती बल्कि साइंटिस्ट और डॉक्टर्स पहुंच जाते हैं। आरके को जब तक समझ आता है कि एक्चुअली हुआ क्या था, वो कुछ नहीं कर पाता। असल में गौरी कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक अंडरकवर एजेंट थी जिसको इन साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने हायर किया था आरके को पकड़वाने के लिए, और पकड़वाने के लिए खूब सारे पैसे भी दिए थे। इसके बाद क्या होता है, साइंटिस्ट डॉक्टर्स ले जाते हैं आरके को यूएसए, वहां पर उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं। जग्गू को जैसे ये बात पता चलती है, पीके का नकली पासपोर्ट बनवाती है और फटाफट निकल जाते हैं वो लोग भी यूएसए। यूएसए में करते हैं वो एक एजेंट को हायर ये पता लगाने के लिए कि आरके है कहाँ। एजेंट कुछ टाइम बाद उन्हें आरके की लोकेशन बताता है और उसके बाद जग्गू अपना चालाक दिमाग दौड़ाती है। अब आरके को बचाने के लिए जग्गू और कुछ नहीं करती बल्कि जाती है पुलिस स्टेशन और कहती है कि मेरे दोस्त को किडनैप कर लिया गया है और मैंने अपने दोस्त की लोकेशन ढूंढी है वेयर इज माय फ्रेंड ऐप से। उसी के साथ ही उस लोकेशन पे पुलिस और जग्गू पहुंचते हैं। वहां पे जग्गू बहुत ही चालाकी से पुलिस के पहुंचने के बाद आरके को साइड में ले जाके उसका लुक चेंज कर देती है। इसी बीच पुलिस और साइंटिस्ट में फायरिंग होने लग जाती है और इसी के साथ साथ फायरिंग जब खत्म होती है तो साइंटिस्ट डॉक्टर्स असली बात बताने लगते हैं पुलिस को, पर आरके अपनी सुपर पावर से उनके मुंह से कुछ और ही बुलवा देता है, वरना पुलिस को ये नहीं पता लग जाता कि वो आरके इंसान नहीं एलियन है। इसके बाद वो लोग जाते हैं पीके से मिलने। पीके और आरके गले मिलते हैं, बहुत ही इमोशनल सीन होता है। और इसके बाद इंडिया लौट के पीके आरके अपनी स्पेसशिप को बुला के उसमें चले जाते हैं। तो ये थी पीके की स्टोरी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you.